अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद तौफीक एंड माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ बायोफ्यूल सेंसेस ऑफ बायोफ्यूल फ्रॉम बायोमासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इट्स इंट्रोडक्शन। बायोफ्यूल जो हमारे पास होते हैं इनको हम एग्रोफ्यूल्स का भी नेम देते हैं, जो कि मेनली ड्राइव किए जाते हैं फ्रॉम बायोमास या बायोवेस्ट। बायोमास मीन्स के हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो हमारे पास बायोमास आएगा उनसे हमने क्या करना है, बायोफ्यूल की प्रोडक्शन करनी है या बायोवेस्ट किस तरह हम कहते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो टूडे अगर आप देखें तो बायोफ्यूल हैज़ एक्सपेंडेड थ्रू द ग्लोबल। ये ग्लोबल मीन्स के ओवर वर्ल्ड वाइड हमारे पास बायोफ्यूल की सेंसेस की जा रही है और उस पर प्रोसेस किया जा रहा है, बायो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास बायो गैसेस से जो यूज़ मेनली एशिया, यूरोप और अमेरिका जो है मेजर प्रोड्यूसर्स हैं हमारे पास। उसके बाद देखें तो हमारे पास ये अगर देखें तो यहाँ सम ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डेट आर स्पेशली ग्राउन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। अगर यूनाइटेड स्टेट्स का देखें तो स्विच ग्रास, सोयाबीन और कॉर्न को यूज़ किया जा रहा है। ब्राज़ील में देखें तो शुगर कैन से, यूरोप में देखें शुगर बीट एंड वीट, चाइना कैस, इसी तरह ये डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है करंट ट्रेंड। करंट ट्रेंड क्या है कि बायो डीजल अकाउंट फॉर 3% ऑफ द जर्मन मार्केट एंड 0.15% ऑफ द यूएस मार्केट। अगर हम मार्केट का लेवल देखें तो बायो डीजल जो है उसका अकाउंट किया जा रहा है 3% इन जर्मन मार्केट में और 0.15 यूएस मार्केट में। इसी तरह ये डिफरेंट लिखे हुए हैं यूएस में और ये इसी तरह डिफरेंट। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ गया है बायोफ्यूल की जनरल डेफिनेशन। बेसिकली ये होता क्या है, तो बायोफ्यूल बेसिकली हमारे पास एनी फ्यूल है वो एनर्जी इज ऑब्टेन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन को प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमने क्या करनी है, फ्यूल की प्रोडक्शन करनी है। तो यहाँ पे देखें तो कार्बन फिक्सेशन हमारे पास होता है, ये एक केमिकल हमारे पास केमिस्ट्री का एक प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारे पास है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब यहाँ पे देखें तो इफ़ दिस प्रोसेस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हमारे पास ये कार्बन फिक्सेशन वाला प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसको हम नाम देंगे बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आता है कि लेसन हमने नेचर से हमने क्या सीखा है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जो कि सनलाइट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस यूटिलाइज़ किया जाता है बाय प्लांट्स टू ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे ये हमारे पास ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास वाटर यूज़ करके ये हमें क्या दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारे पास है एनर्जी प्रोडक्ट, हमारे पास एनर्जी सोर्स ऑफ मॉलिक्यूल आता है। तो यहाँ पे देखें बायोमास, अब बायोमास हमने बताया था कि ये होता क्या, बेसिकली इसकी एग्जांपल देखें तो ये होता क्या है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। एग्जांपल देखें तो इसका हमारे पास कर्नल ऑफ कॉर्न्स, मैट्स ऑफ एल्जी, स्टॉल्स ऑफ शुगर कैन, ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। टाइप्स की बात करें तो हमारे पास एक वुडी आता है, एक नॉन वुडी आता है। वुडी क्या है कि कोकोनट ऑयल, पाम। वुडी मीन्स के लकड़ी के जो हमारे पास होता है जो हम प्लांट से यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास कोकोनट आ गया, ऑयल पाम आ गया, पॉपुलर पाइन आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, वुडी बायोमासेस है। अगर हम नॉन वुडी का देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉर्न आ जाता है, शुगर कैन आ जाता है, सोयाबीन, जो कि हमारे पास बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं डिफरेंट लिक्विड बायोफ्यूल्स। ये क्या है, हमारे पास इनडायरेक्ट बायोमास है, जबकि हमारे पास अगर हम वुडी का यूज़ करें तो ये हमारे पास डायरेक्ट बायोमास आता है। डायरेक्ट बायोमास इसके एग्जांपल देखें तो हम कोई भी लकड़ी को बर्न कर लें तो हम उससे क्या करते हैं, एनर्जी गेन कर सकते हैं। ये हमारे पास है वुडी जो कि डायरेक्ट बायोमास है। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास इसकी हम बायोमास जो बायोफ्यूल है उसको हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग बायोमासेस। तो यहाँ पे हमारे पास टू मेथड्स हैं। पहला आता है शुगर कैन, जिसमें हम ये फर्मेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एथानॉल को प्रोड्यूस करें तो ये हमारे पास आता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। सेकेंड की बात करें तो ये है हमारे पास जिसमें हमारे पास प्लांट्स जो हैं ये नेचुरली हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं ऑयल, सच एज़ ये हमारे जेट्रोफा एंड एलजी। ये अगर हम देखें तो ये क्या है कि हमारे पास नेचुरली, एक तो हम क्या है कि हम फर्मेंटेशन करते हैं बाय यूजिंग माइक्रोब्स, और दूसरे हमारे पास मेथड क्या है वो है नेचुरली, जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं ऑयल्स को या दूसरे हमारे पास बायोफ्यूल डीजल्स हैं। अब यहाँ पे देखें तो कंपेयरिंग एनर्जी कंटेंट, अगर हम देखें तो एनर्जी कंटेंट ऑफ बायो डीजल इज़ अबाउट 90% डेट ऑफ इट्स काउंटर पार्ट पेट्रोलियम डीजल, जो कि काउंटर पार्ट है पेट्रोलियम डीजल का 90%। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एनर्जी कंटेंट है ऑफ ब्यूटानोल इज़ अबाउट 80% डेट ऑफ गैसोलीन। अब यहाँ पे देखें तो इतना फ़र्क नहीं आ रहा था, एनर्जी कंटेंट ऑफ एथानॉल इज़ अबाउट 50% देन गैसोलीन। ये क्या हमारे पास एनर्जी कंटेंट कंपेयरिंग है। अब यहाँ पे आता है कि जो हम बायोफ्यूल यूज़ कर रहे हैं क्या उसको हम रीन्यूएबल कर सकते हैं या हम क्यों करते हैं, इसकी रीज़न क्या है। तो इसका क्या है कि बायोफ्यूल आर प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमासेस और बायोवेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, विच कैन रिप्लेनिश ईयर आफ्टर ईयर थ्रू सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। अब यहाँ पे देखें फॉसिल फ्यूल्स को तो ये क्या करते हैं, रिक्वायर्ड होता है इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल। ये क्या है कि फॉसिल फ्यूल आर नॉट रीन्यूएबल। यहाँ पे देखें तो जनरल अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको हम अगेन रीयूज़ कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रीन्यूएबल का।
अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वुडी मैस है जिसमें कोकोनट ऑयल पाम पॉपुलर पाइन ये डिटेल से यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री ऑफ बायोडीजल। इसको हम अगर आप देखें तो रीड आउट करें तो यहाँ पे आता है कि ये एग्जीबिशन इन पेरिस 1897 में की गई। उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास बायो फ्यूल सर्ज इन पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द एनर्जी क्राइसिस ऑफ द 1970। उसके बाद देखें तो मोस्ट रिसेंट जो सर्ज इन रिसेंट सर्ज है जो बायो फ्यूल पॉपुलैरिटी करंट इन 1990 में। तो ये क्या है हमारे पास ये हिस्ट्री आ जाती है यहाँ पे। ये देखें सेंस टाइम लेटर 18 पीपल यूज बायोमैस मटीरियल विच टोटली इंक्लूड प्लांट्स एंड प्लांट ड्राइव। बल्कि 18 सेंचुरी से पहले हमारे पास क्या था बायो फ्यूल प्लांट्स। अब यहाँ पे देखें तो 1826 जिसमें एथेनॉल है ये हमारे पास फर्स्ट प्रिपेयर्ड किया गया था बायो फ्यूल जो कि सिंथेटिकली थ्रो द इंडिपेंडेंट एफर्ट ऑफ हेनरी हैंडल इन ब्रिटेन एंड एस जी सरेस इन फ्रांस। फ्रांस में हमारे पास एथेनॉल की प्रिपरेशन की गई। अब यहाँ पे देखें तो ये 2000 सेंचुरी है जिसमें ब्राज़ील डी रेगुलेट द एथेनॉल मार्केट एंड रिमूव इट्स सबसाइड्स। अब उसके बाद 2003 में देखें तो यहाँ पे क्या हो गया एथेनॉल हैज़ ग्रोन रैपिडली, यहाँ पे रैपिडली हमने ग्रोथ की। अब यहाँ पे आ जाता है एडवांटेजेस जिसमें हमारे पास आ जाता है दे आर रिन्यूएबल जो कि हम पढ़ चुके हैं। बायोफ्यूल्स आर द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, ये हमारे पास दूसरा एडवांटेज है। उसके बाद आ जाता है एनर्जी डेंसिटी जो कि फॉसिल फ्यूल्स कैरी इनफ एनर्जी इन अ स्मॉल इनफ स्पेस टू मेक देम वेरी प्रैक्टिकल फॉर द नंबर ऑफ यूजेस। अब डिसएडवांटेजेस देखें तो ये हमारे पास रीजनल सुइटेबिलिटी फूड सिक्योरिटी लैंड यूज इंपैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी और ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारे पास क्या रहता है डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें बायोफ्यूल की तो ये हमारे पास क्या है इन 3 जनरेशन में आ जाता है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में हमने इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जनरेशन देखें तो ये क्या है कि कन्वेंशनल बायोफ्यूल कहलाता है जो कि हमारे पास मेड फ्रॉम थिंग्स लाइक शुगर स्टार्च वेजिटेबल ऑयल्स से हमने ये बनाई है। फर्स्ट जनरेशन अगर देखें तो ये क्या है कि हमारे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोफ्यूल सेल्फ डज नॉट चेंज बिटवीन जनरेशन बट रेदर द सोर्स फ्रॉम विच द फ्यूल इज ड्राइव चेंजेस। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है कि हमारे पास जनरेशन है जो पर जनरेशन के बायोफ्यूल हैं वो सफ़र फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम इंक्लूडिंग थ्रेडिंग द फूड इंक्रीजिंग कार्बन इमिशन। मींस कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या थी प्रॉपर हमारे पास जनरेशन नहीं थी। ये अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेज आता है तो वो जनरेशन बाय जनरेशन आता है, जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज़ होती है उसकी 1, 2, 3 वैसे ही उसमें इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। ये थी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जिसमें हमने जनरल हमने देखा कि ये हम कैसे इससे बायोफ्यूल गेन कर रहे हैं। ये आ जाता है कि कॉर्न से हमने कैसे यूएसए इज़ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्न एंड एथेनॉल मेड फ्रॉम कॉर्न, क्या कि इथेनॉल हमारे पास मेड फ्रॉम कॉर्न कॉर्न से यूज़ करके हम यूएसए में, ये इसके बेनिफिट्स आ रहेंगे डिसएडवांटेजेस। उसके अलावा देखें तो ये क्या है कि ग्लोबल फूड सप्लाई भी हमारे पास यहाँ पे किया जा रहा है, राइजिंग ग्लोबल फूड प्राइस एंड लीडिंग टू हंगर इन अंडर। अब सेकेंड जनरेशन की हम बात करें बायोफ्यूल की तो ये क्या है कि हमारे पास इसको रेफर किया जाता है एडवांस बायोफ्यूल के तौर पे। तो ये क्या होता है कि सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सस्टेनेबल फीड स्टॉक से, हम क्या करते हैं कि सेकंड जनरेशन के बायोफ्यूल्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फीड स्टॉक इज डिफाइंड बाय इट्स अवेलेबिलिटी इट्स इंपैक्ट ऑन ग्रीन हाउस गैस इमिशन इट्स इंपैक्ट ऑन लैंड यूज। मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ है कि इंप्रूवमेंट हुई है जो कि हम सेकंड जनरेशन में फॉल कर रहे हैं। तो इसको क्या है कि सेकंड जनरेशन में क्वालीफाई करने के लिए फीड स्टॉक जो है वो मस्ट नॉट बी सुइटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये क्या आ जाता है हमारे पास ये क्वालिफिकेशन के लिए आ जाता है कि सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स कैसे रिलायबल होंगे, इनको हम सेकंड जनरेशन में क्यों रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि शुड ग्रो ऑन मार्जिनल लैंड जो कि हमारे पास नॉन एग्रीकल्चर होती है, शुड नॉट रिक्वायर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर और फर्टिलाइजर, सर्टेन फूड प्रोड्यूस कैन बिकम सेकंड जनरेशन फ्यूल व्हेन दे आर नो लॉन्गर यूजफुल फॉर कंजप्शन। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है कि इसकी क्वालिफिकेशन आ रही है कि हम कौन से ऐसे जनरेशन ये कौन से हमारे पास बायोफ्यूल आ रहे हैं जिन्हें हम सेकंड जनरेशन में फाल करवा रहे हैं। क्या रहता है सेकंड जनरेशन एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, ये सारा हमारे पास थर्मोकेमिकल कन्वर्जन आ जाएगा बायोकेमिकल कन्वर्जन आ जाएगा, ये क्या है कि हमारे पास एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज हैं फॉर सेकंड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल। अब अगर हम देखें लास्ट जनरेशन जो कि थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल है तो ये क्या है कि अनऑफिशियल कैटेगरी रिजर्व फॉर बायोफ्यूल जो कि ड्राइव किया जाता है एलजी से। मींस कि हमने एलजी को क्या किया है कि इसको जनरेशन थर्ड में रखा है, इसकी रीज़न क्या है वो हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। प्रीवियसली एलजी वर कंसिडर सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन में क्या था एलजी को फाल किया गया था, इसकी रीज़न क्या थी उससे हम बेनिफिट्स जो कि हम मींस के उसमें बेनिफिट हम उसकी ग्रोथ में रिक्वायरमेंट थी उसको हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, उसकी बेस पे हमने इसकी जो प्रोडक्शन जो एलजी कर रही थी बायोफ्यूल की तो उसकी बेस पे हमने इसे सेकंड जनरेशन में रखा। अब जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट की बायो टेक्नोलॉजी में तो इसको हमने फाल किया जनरेशन थ्री में, इसकी रीज़न क्या थी मोर प्रोडक्शन इजीली प्रोसेस अकरिंग। तो ये थी इसकी रीज़न कि हमने बायो जो एलजी है इसको थर्ड जनरेशन में क्यों रखा।
इसका अगर देखें, हाउ और व्हेन इट बिकम अपेरेंट डैट एलजी आर कैपेबल ऑफ मच हायर यील्ड विद लोअर सोर्स, इसको हमने क्या इनपुट जो हमने रिसोर्सेज देने हैं वो हमारे पास लो होंगे पर हमारे पास यील्ड ज़्यादा होगी, मीन्स के हमारे पास हमने कोई भी चीज़ ली उसकी पेमेंट पे कम की है पर हमने बेनिफिट ज़्यादा ले लिया, तो इस जनरेशन को हम नेम देंगे थर्ड जनरेशन। अब इस पैराग्राफ को देखें तो इसमें क्या लिखा है कि एलजी बेस्ड बायोफ्यूल्स रिक्वायर अ यूनिक प्रोडक्शन मैकेनिज्म। एलजी बेस्ड जो है ये हमारे पास क्या है कि इसे रिक्वायर्ड चाहिए यूनिक प्रोडक्शन प्रोसेस एंड पोटेंशियली ऑफर सॉल्यूशन टू मिटिगेट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल। ये थी हमारे पास थर्ड जनरेशन। अब यहाँ पे देखें तो हमने थर्ड जनरेशन में देखा कि हम एलजी को यूज़ करते हैं, तो अब हम देखेंगे कि एलजी को हम कल्टीवेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास डाइवर्स वे आ रहे हैं जिसमें हमारे पास ओपन पॉन्ड, क्लोज लूप सिस्टम और फोटो बायो रिएक्टर्स आ रहा है। अगर हम ओपन पॉन्ड का देखें तो एलजी इज़ ग्रोन इन अ पॉन्ड इन द ओपन एयर, तालाब अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो वो सिस्टम जो होगा एलजी की प्रोडक्शन का तो उसको हम नेम देंगे ओपन पॉन्ड्स का। इसमें क्या होगा, सिंपल डिज़ाइन होगा, लो कैपिटल पोस्ट होगी, उसके बाद अगर हम देखें तो लेस एफिशिएंट देन अदर सिस्टम होगा, अदर ऑर्गेनिज्म कैन कंटेमिनेट द पॉन्ड एंड पोटेंशियली डैमेज और किल द एलजी। ये थे क्या है हमारे पास ओपन पॉन्ड्स का। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्लोज लूप सिस्टम, तो इसमें क्या है कि सिमिलर टू ओपन पॉन्ड, ये सिमिलर होता है ओपन पॉन्ड बट नॉट एक्सपोज टू द एटमोसफेयर, पर क्या होता है कि हमने क्लोज किया तो ये एक्सपोज नहीं होगा एटमोसफेयर के, जो कि हमारे पास यूज़ ऑफ स्टीराइल सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सोर्स को यूज़ किया जाएगा इसमें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट फोटो बायो रिएक्टर, जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है और क्लोज सिस्टम है, सिग्निफिकेंटली हायर यील्ड एंड बेटर कंट्रोल। बायो जो फोटो बायो रिएक्टर अगर हम यूज़ करते हैं वे, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास हाई यील्ड प्रोडक्शन होगी। ये थी हमारे पास कल्टीवेटिंग एलजी प्रोसेस। लास्ट पे ये है हमारे पास रेफरेंसेस, अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख के आप डायरेक्टली गूगल या किसी और ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र में आप सर्च कर सकते हैं कि आप ये फुली डिटेल जो है इसकी मेरी जो पीपीटी बनाई है उनसे हमने ये हम मैंने आर्टिकल्स यूज़ किए हैं, ये डिफरेंट हमारे पास या दूसरे हमने लिंक्स यूज़ करके हमने ये पीपीटी बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।